अमो जी आपके पास आऊंगा। देखिए आप दिल्ली में हैं लेकिन आप यूपी की पॉलिटिक्स को भी समझ रहे हैं और बंगाल की पॉलिटिक्स को भी समझ रहे हैं और ओवैसी दोनों जगह बहुत अहम फैक्टर हो गए हैं। कैसे देखते हैं ओवैसी के अचानक इतने सक्रिय होने को? देखिए मैं बताऊं गौरव कि ओवैसी पे जो आरोप लगाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, खास करके यूपीए घटक दलों द्वारा या जिस घटक दल को नुकसान हो रहा है मुस्लिम वोट का, उसके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी से साठगांठ करके चुनाव लड़ते हैं, उस पर उन्होंने आज बड़ी त्वरित टिप्पणी की है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि एक तरह से दिखाने की कोशिश भी की है और दिखा भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव में अभी से डट गए हैं। योगी जो जाकर लगातार कैंपिंग किए हुए थे, मुख्यमंत्री योगी लगातार कैंपिंग किया, एक दिन वहां रोड शो किया और हैदराबाद में काफी जोर लगाया, उसका काउंटर देने के लिए ओवैसी आज लखनऊ में है और लखनऊ में उन लोगों से मिल रहे हैं जो योगी विरोधी हैं, ओम प्रकाश राजभर से मिल रहे हैं। चाहे तो उसके इसका बाद नुकसान या फायदा किसको होगा, क्या लगता नहीं कि जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं उनके लिए ये ओवैसी अब यूपी में भी एक सिद्धांत साबित हो सकते हैं? बिहार में क्या किया उन्होंने सबने देखा। देखिए दोनों राज्यों का अलग अलग समीकरण है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के लड़ने से निश्चित तौर पे जो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी या बसपा में जाती या कांग्रेस को जाती उसमें बट्टा लग सकता है, लेकिन जहां तक बात वेस्ट बंगाल की है, वेस्ट बंगाल में मुसलमान वोट दो धड़े में बटा हुआ है, एक हिंदी भाषी मुसलमान, दूसरा बांग्ला भाषी मुसलमान। बांग्ला भाषी मुसलमान में ओवैसी की पैठ उतनी नहीं मानी जाती है, लेकिन हाँ ऐसे भी 3-4% 5% वोट हैं जो हिंदी भाषी मुसलमान हैं, उसमें उनकी पकड़ उस पे उनका बन सकती क्या असर होगा और... ये देखना होगा। ठीक है, फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।